भाई जी को फांसी पर लटका दिया मार के, वैसे ही हम कातिल को भी फांसी की सजा भुना। अच्छा, दारू का हल्ला सुनेंगे ना, जो फलना जगह दारू है तो दौर भरा तुरंत करेंगे पुलिस। मेरा दरवाजा पर इतना घटना हुआ, एक बेर नहीं आया देखने के लिए क्या हुआ है नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हम मिस्टर कृष्णा महतो, अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टर सोनी भारत की युवा सोच में, अभी देख रहे हैं न्यूज। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं सोनी पंकज के घर पे, अभी हम पंकज के घर पे हैं और बाकी जब देख सकते हैं ग्रामीण लोग भी बहुत सारा है इकट्ठे हैं और इनसे भी सवाल जवाब करेंगे पंकज की बहन से। और यहाँ पे पंकज के दोनों बहन है, आपकी क्या नाम है? आपके क्या नाम है? दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बहन है, दोनों बहन से पूछेंगे इनका जो केस की जो केस दर्ज किए थे थाने पे, केस अभी तक कहाँ गया है और इनका जो इनका भाई जो कातिल है वो अभी तक पकड़ा गया या नहीं गया है, उनको सजा मिला है या नहीं मिला है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे दोनों बहन से। और ये उससे पहले एक बात और बता दें कि इनका भाई एक ही थे, सिंगल भाई थे और चार बहन थे, जिसमें आप कितने बहन थे? चार बहन एक। कितने बहन के शादी हो चुकी है? एक बहन, एक बहन कुमारी है। और उससे ये भी बता देंगे, इससे पहले इनके घर पे पप्पू यादव भी आए थे और उन्होंने कुछ सहयोग राशि देने के बात की थी, चलिए इन्हीं से पता करते हैं कितना सहयोग राशि देने के बात से बोले थे पप्पू यादव, कितने बोले थे? वो बोले थे 1 लाख के बारे में, पर हम लोग अंदर रूम में थे, कुछ नहीं थी। 1 लाख का जो है ऐलान किया था पप्पू यादव जी ने, पर अभी तक दिए नहीं है। आपको क्या मिला अभी तक? नहीं। और कब देने के बात ये नहीं पता, ये सिर्फ। दोस्तों जब छोटी बहन की शादी होगा तब उनको पप्पू यादव की तरफ से 1 लाख रुपया सहयोग राशि के दिया जाएगा। चलिए अब ये जानते हैं कि इनके केस दर्ज जो किए थे उसमें कितने लोगों के केस दर्ज में नाम दिए थे? 5 आदमी के नाम दिया गया था, फिर जाके पापा लिखवाए गए वहाँ कोर्ट पर जाके, मगर किसी को नहीं पकड़ा गया। हम इतना कहने चाहते जितना मेरे भाई जी को फांसी पर लटका दिया मार के, वैसे ही हम कातिल को भी फांसी की सजा भुना। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका भाई को जिसने भी मरवाया है उसको सजा, करीब करीब सजा या फांसी उसको होना चाहिए? फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं उसको जो फांसी लगवाया गया था उसमें कितने आदमी का इन्वॉल्व हाथ हो सकता है? 6-7 आदमी का। अच्छा, ये घटना कब की है, ये घटना कब हुआ था? 11 तारीख को रात में। 11 तारीख को रात में, यानी रक्षाबंधन से पहले ना? एक दिन पहले। दोस्तों देख सकते हैं रक्षाबंधन से 1 दिन पहले ये घटना हुआ था और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये पुलिस की जैसे नाकामी सामने आ रहा है, उनको जैसे कड़ी से कड़ी जांच करना चाहिए और जैसे कातिल को पकड़ना चाहिए। बाकी आपको ये भी बता दें, चलिए और कुछ पूछते हैं, इनके पापा जी कहाँ हैं? अभी आपके पापा जी कहाँ? पापा जी की बहुत तबीयत खराब है। और मम्मी जी का? मम्मी की हालत तो अभी तक में क्या, आपको क्या सहयोग राशि गांव की समाज मुखिया जी से या वार्ड मेंबर से मिला है क्या? कोई कुछ नहीं किया है, इतना ही हम बोलना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे पास इनके अलावा इसके पास कोई सब्जी नहीं है, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं इनके घर में मात्र एक ही भाई था, चार बहन एक भाई था और उनका भी हत्या कर दिया गया है बेरहमी से, फांसी लगाकर 22,000 वोल्टेज की तार पे हमें पे टांग दिया। ये कहीं न कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन से आपको? कोई प्रशासन कुछ नहीं किया है ना, आज तक मेरे दरवाजे पर आया है। अभी दारू का हल्ला सुनेंगे ना, जो फलना जगह दारू है तो दौर भरा तुरंत करेंगे पुलिस। मेरा दरवाजा पर इतना घटना हुआ, एक बेर नहीं आया देखने के लिए क्या हुआ है नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो घटना हुआ है, सोनी आपका भाई सोनी को कितना दिन से जानते थे? हम तो पता नहीं, हम तो बाहर रहते हैं। अच्छा, आपको मालूम नहीं है? अब वो जो प्यार करते थे वो क्या मालूम है आपको? वो भी मालूम, हम तो बाहर रहते थे ना, हमको क्या पता। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं ये सब, क्योंकि अभी इनका हालत बहुत ही खराब है और जैसे इनका कहीं का इनका पापा और मम्मी भी सीरियस है, इनको अभी इलाज चल रहा है और इलाज की जरूरत है। तो ऐसा हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन जो है और बाकी गांव के जो भी गांव समाज के लोग हैं इनको सहयोग करें, इनको जैसे मदद करें, जैसे इनको सपोर्ट करें, इनका इनको न्याय दिलाने में आप लोग को मदद मिलना चाहिए, तभी इनको न्याय मिल सकता है। बाकी पुलिस कर्मी जो भी हैं उनको भी अनुरोध क्या कर रहा हूँ कि हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस मामले पर करीब करीब जैसे जाँच कीजिए और जो भी हत्यारा है उसको पकड़ के सजा
बता दीजिए करी से करी। और बाकी आप लोग ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर में, तब तक जय हिंद।